की पार्टी ने आबकारी विभाग के जो भी ठेकों के रजिस्ट्रेशन थे वो समय से पहले इलेक्शन से पहले कर दिए, जबकि इसका सत्र मार्च और अप्रैल के महीने में होता है, इसके लिए आप क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम कौन सा किया है? इसके लिए अब इस संबंध में बात तो हो रही है, लेकिन एक जो लंबे समय से एक प्रोसेस चला आ रहा था रिन्यूअल का, अब अगर किसी ने कर दिया है तो उसमें इसके मामले में भी बैठकर कोई नीति बनानी पड़ेगी, विचार करेंगे कि इसमें क्या समाधान निकल। पहले अगर इस तरह से कोई काम किया जाता है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। अब ये सारी बातें हम लोगों के मुख्यमंत्री जी के सामने आ चुकी हैं, हम लोगों के सामने भी आ चुकी हैं। अब इस विषय में बराबर मंथन चल रहा है कि किस ढंग से इन चीज़ों से निपटा जाए। अच्छा, खनन और ओवरलोडिंग को लेकर के बार बार कार्रवाई की जा रही है मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार, लेकिन खनन पर पुलिस बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, तो क्या ये सारे अधिकारियों की मानसिकता समाजवादी से प्रेरित है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा ए टू जेड पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। अब उस स्ट्रक्चर को संभालने के लिए समय तो लगेगा और उस समय के ही प्रोसेस के अंतर सब सारी चीज़ों को सुधारने का काम चल रहा है। अभिभूत हूँ, अपने घर में आई हूँ, अपने परिवार में आई हूँ, और रही बात ये तो अपने कार्यकर्ताओं का जोश और उनका उत्साह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उनके अथक परिश्रम का परिणाम है ये। बहुत जल्दी में है, आप लोग थोड़ा समय तो दीजिए सारी चीज़ों के लिए, सब कुछ हो। क्या उम्मीदों को पूरा करेंगे? पहली उम्मीद आप देखिए, बूचड़खाने बंद कराए जा रहे हैं। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं। एक नहीं, एक केवल गौहत्या ही नहीं, बहुत उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की। जो जनता के मन का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए यदि कहीं भारत लोग देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और उस हर संकल्प को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।